दोस्तों देखिए, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सेकंड टेस्ट मुकाबला जो 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, क्या भारतीय टीम के जो 36 साल से भारतीय टीम ने विजय रथ बनाया है, क्या ऑस्ट्रेलियन टीम उसे भेद पाएगा? क्या वहां पे जीत कर जो 64 साल का सूखा है ऑस्ट्रेलियन टीम के, क्या उसे सूखे को कुछ पानी से कुछ सींच पाएगा ऑस्ट्रेलियन टीम, या तो भारतीय टीम जो विजय रथ है उसे लगातार उसे बरकरार रखेगा? भारतीय टीम के प्लेइंग 11 क्या होगे? इन तमाम टॉपिक पर आप लोगों से बात करेंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी लोग मेरे चैनल पर स्वागत है, मैं हूं सतीश मिश्रा। देखिए, भारतीय टीम सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि जो श्रेयस अय्यर अभी मेडिकली फिट होकर आए बीसीसीआई द्वारा, क्या वो भारतीय टीम के प्लेइंग 11 जगह बना पाएंगे? वही शुभम गिल के लिए काफी आवाजें उठ रही है कि शुभम गिल को मौका मिलना चाहिए। इन फॉर्म खिलाड़ी है, शानदार रहा है पिछला कुछ महीना उनका, उनको आखिर क्यों बाहर बैठाया गया है? केएल राहुल को क्यों उनकी जगह तहजीब जगह उनको रखा गया है जबकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उनके बल्ले सरदार नहीं निकले उसके बावजूद भी केएल राहुल को लगातार खिलाया जा रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, मेरे हिसाब से जो पहला टेस्ट में नागपुर में खेला गया वह भारतीय टीम ने केवल एक पारी में बैटिंग की थी, क्योंकि एक ही पारी से भारतीय टीम ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो एक पारी के बिया पे उसी मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का डेब्यू भी हुआ था और सूर्य कुमार यादव ने भी एक ही पारी खेली थी, केएल राहुल ने भी एक ही पारी खेली, सबने एक ही पारी खेली थी। तो एक ही पारी के वजह से आप कैसे किसी प्लेयर को बैठा सकते हैं? मानते हैं कि शुभम गिल बहुत से फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर टेस्ट में भारतीय सरजमी पे कमाल का प्रदर्शन किया, खासकर स्पिन को जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से स्पिन को अटैक करते हैं वो कमाल धमाल का खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि 100% कैसे फिट घोषित हो सकते हैं श्रेयस अय्यर? देखिए, एनसीएस से तो उनको हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ बड़ा कॉल ले सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जो बयान दिया था उन्होंने कहा था कि वेस्टडे को थोड़ा बहुत अभ्यास किया है श्रेयस अय्यर ने, लेकिन थर्सडे बृहस्पतिवार को पूरी तरह से उन्हें चेक किया जाएगा, वहां जो मेडिकल टीमें भी बैठी वहां पर भी चेक करेंगी कि श्रेयस अय्यर क्या पूरी तरह से 100% फिट है प्लेइंग 11 के लिए खेलने के लिए, क्या 5 दिन के लिए पूरी तरह फिट है, इसको देखते हुए कल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के साथ ही भारतीय टीम कंटिन्यू करेगी, क्योंकि भारतीय टीम का एक तरीका है खेलने का, वो इतनी जल्दी प्रेशर में आकर चीजों को चेंज नहीं करती है, एक मुकाबला और देगी, अगर उस मुकाबले में भी केएल राहुल अच्छा नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि ड्रॉप करना बनता है, फिर शुभम गिल को मौका मिलना चाहिए। वही सूर्य कुमार यादव का भी डेब्यू हुआ है, और अगर आपने डेब्यू कराया है तो एक दो मौका खिलाइए, आप ऐसे बैठाना भी उचित सही फैसला नहीं होगा भारतीय टीम का। और राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा भी यही बात कर रहे होंगे कि सूर्य कुमार यादव का भी क्या गलती, एक ही डेब्यू हुआ है, एक ही पारी खेले हैं, उसमें 4-5 रन बनाया है, ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ बहुत सारे मैचेस खेल लिया कुछ कर नहीं पाया, ऐसा तो नहीं हो गया ना। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के साथ ही भारतीय टीम जाएगी। जो मेरी प्लेइंग 11 होगी मेरे हिसाब से देखिए, ऊपर से केएल राहुल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, आर अश्विन हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, अक्षर पटेल हो गए और मोहम्मद सिराज। फिर से बताते हैं आप लोग को, देखिए केएल राहुल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। इसी जो पहली टेस्ट में जो नागपुर में टेस्ट खेला गया था, जिस प्लेइंग 11 साथ भारतीय टीम उतरा था उसी प्लेइंग 11 साथ भारतीय टीम उतरेगा, मुझे ऐसा लगा, मेरी ऐसी गट्स फीलिंग है। वही देखिए, भारतीय टीम 36 सालों से दिल्ली में कोई मुकाबला हारी नहीं है, और 64 साल पहले 1959 में ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक मुकाबला यहां जीता था। तो ये जो आंकड़ा बता रहा, आंकड़ा जो गवाही दे रहा, उससे और ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम की, और मुझे नहीं लगता कि जो पिच नागपुर में बनी थी उससे ज्यादा मुझे लगता है स्पिन करेगी दिल्ली पिच। दिल्ली पिच ट्रेडिशनली काफी ज्यादा स्पिनर काफी हेल्प देती है, तो मुझे लगता है पहले दिन से यहां पे स्पिन का बोलबाला स्टार्ट हो जाएगा यहां पे। तो यही मेरी प्रिडिक्शन होगी कि भारतीय टीम ये भी सेकंड टेस्ट भी आराम से जीत लेगी। आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।